देश काल परिस्थिति के अनुसार फैसले लिए जाते हैं और हमने सबकी राय करी है, सभी से हमने परामर्श किया है और इस समय में हमको उचित लगा इसलिए हमने निर्णय लिया है। कांग्रेस वालों को तो स्वागत करना चाहिए कि हमने, वो लगातार कह रहे थे कि वापस लेना चाहिए, तो उनको स्वागत करना चाहिए, नहीं तो फिर इसमें टीका टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब उनको पसंद नहीं आ रहा हमने वापस ले लिया। आप उनसे पूछिए, वो नेताजी से पूछिए कि हर बार वो यही बात करते हैं कि जो भी हम फैसला लेते हैं, हमने कल गन्ने का मूल्य बढ़ाया उसमें भी उनको अच्छा नहीं लगा। उनको कोई सरकार के काम अच्छे लग ही नहीं सकते क्योंकि वो विपक्ष में है, तो उनको कुछ ना कुछ बोलना है, इसलिए हम भी उनकी बातों को देखकर हंसते रहते हैं। देवस्थानम बोर्ड को भंग करना एक आसन हार से घबराई हुई सरकार का कदम है और ये कदम कांग्रेस और तीर्थ पुरोहितों, हक हकूकधारियों और उत्तराखंड के जागृत जनमत की जीत है। लगातार पहले दिन से विधानसभा में जब ये कानून आया था, हमारी पार्टी, हमारी पार्टी के विधायक मनोज रावत ने बहुत पार्टी की ओर से इसका विरोध किया था और जो कुछ कांग्रेस ने उस समय कहा अनंतो गत्वा, उसको सारे राज्य की जनता ने स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी हठपूर्वक दो साल से बोर्ड के गठन का समर्थन कर रही थी और उसके पक्ष में नाना प्रकार के अनर्गल तर्क दे रही थी। जनता के रोष को देखते हुए, तीर्थ पुरोहितों के रोष को देखते हुए और कांग्रेस को दबाव को देखते हुए इनको ये एक्ट जो है आज वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी और तीर्थ स्थानम बोर्ड की को भंग, देवस्थानम बोर्ड को भंग करना पड़ा। और हम समझते हैं कि सरकार यदि ये मान चुकी है कि उनसे गलती हुई है इस बोर्ड का गठन करके और इसको थोप करके, तो उनको राज्य की जनता से माफ़ी भी मांगनी चाहिए और विनम्रता से कहना चाहिए आगे हम ऐसा गलत कदम नहीं उठाएंगे। ये निरंतर इस तरीके के जनविरोधी कदम उठाते रहे हैं और केंद्र में भी हमने देखा, तीन काले कानून किसानों पर थोप दिए गए, देश के ऊपर थोप दिए गए, अनंतो गत्वा वहाँ भी झुकना पड़ा इनको और आज देवस्थानम बोर्ड जैसे कानून को लेकर के यहाँ भी इनको झुकना पड़ा है। मैं तीर्थ पुरोहितों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, हकूकधारियों को, कांग्रेस के लोगों को और यहाँ के लोकतांत्रिक विपक्ष को और लोकतांत्रिक जनमत को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने सरकार को मजबूर कर दिया, चुनाव का डर दिखा करके मजबूर कर दिया कि उनको देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का निर्णय लेना पड़ा। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। मैंने भी सब्सक्राइब किया है और अगर अभी तक आपने नहीं किया फटाफट से कर। टेढ़े मेढ़े रास्ते मगर सीधे सच्चे लोग, सियासत के गलियारे और दिलकश नजारे, देवभूमि उत्तराखंड की हर खबरें होने न देंगे आपको कमजोर। सच का इनालिए, हम हैं K24।